हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अभिषेक में। इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूपीपीसीएस एग्जाम 2019 के। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का इंतजार हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स को रहता है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो हमेशा से सही हो, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले कुछ सालों में, और उनके जो कट ऑफ वीडियो थे अभी भी हमारे चैनल पर पड़े हैं, और लगभग काफ़ी टाइम लेता हूँ मैं ये वीडियो बनाने में, मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप उन सब वीडियो को देख सकते हैं, आप उन वीडियो के कमेंट को देख सकते हैं, और हमेशा से मेरे कट ऑफ वीडियो सही हुए हैं, इसलिए काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं ये वीडियो ज़रूर डालता हूँ किसी भी एग्ज़ाम के बाद में। तो फ्रेंड्स, इस पर मैंने कल एग्ज़ाम के बाद से ही पोल डाला था, लगभग हज़ारों स्टूडेंट्स का उस पर आया है, और साथ ही साथ कई सिविल सर्विसेज जो ग्रुप्स हैं मैंने वहाँ पर एनालिसिस की है। सारी चीज़ को मिला के मैं डिस्कस करूँगा कि आपकी इसकी मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा से मिलते रहे एजुकेशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो कट ऑफ है मेरी, मैंने किस आधार पर बनाया है और क्या पैटर्न रहा है, किस हिसाब से ये हमेशा से सही होता है। फ्रेंड, इस चीज़ को एनालिसिस करने से पहले आपको थोड़ा सा पिछले ईयर्स के पेपर को एनालिसिस करना पड़ेगा। फ्रेंड, पिछले ईयर्स की अपेक्षा ये पेपर काफ़ी टफ था, और टफ नहीं, काफ़ी टफ था। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो कट ऑफ थी आपकी, जो भी लगभग 95-96 के आसपास में बनी थी, ठीक है, वो आपने देखा होगा, और सीट भी वहाँ पे लगभग 15 से 16 हज़ार के आसपास में थी, ठीक है। इस बार दो चीज़ें रिवर्स मोड में हुई हैं, एक तो आपका पेपर काफ़ी टफ हुआ है, और दूसरी चीज़ आपकी सीट काफ़ी कम हुई है, लगभग 300 के आसपास में, 300-350 के आसपास में पोस्ट है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो 13 गुना बच्चों को बुलाया जाना है, और यही संख्या आपकी 4000 स्टूडेंट केवल मेंस में अपीयर होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये संख्या कम होती दिख रही है, लेकिन पेपर यहीं पे हार्ड होता दिख रहा है। तो पिछले ईयर से इस ईयर में कुछ इक्वलिटी दिख रही है, कुछ अनइक्वलिटी दिख रही है, जो दोनों को बराबर करने वाली है। तो इसी के बेस पे मैंने पूरी कट ऑफ बनाई है, और हज़ारों छात्रों ने जो अपने पोल के थ्रू अपने मार्क्स कमेंट किए हैं आफ्टर डिडक्शन के बाद, मैंने कल एग्ज़ाम के बाद ही आपकी लगभग 45 मिनट बाद आंसर की डाल दी थी, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस करते थे, उस पर ढेर सारे क्वेश्चन थे क्योंकि मैं थोड़ा बाहर भी था, और एनालिसिस मैं आंसर की भी डाल चुका हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो जुड़े हैं वो उसको देख सकते हैं, और कई सारे यूट्यूब चैनल से या अगर कई सारे इंस्टीट्यूशन से भी अभी इस टाइम जा चुके हैं जो आंसर की जारी हो चुके हैं, तो आपने मिलाया होगा 10-15 क्वेश्चन सब में अभी भी कंफ्यूजन में, वो आयोग के द्वारा जारी होने पर ही क्लियर हो पाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम डिस्कस कर लेते हैं अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ को। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कट ऑफ सेक्शन पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, और ये लास्ट तक पूरी कट ऑफ की एनालिसिस देखिएगा। जनरल की जो कट ऑफ है मैंने बनाई है, मेरी पूरी एनालिसिस टीम के थ्रू ये बनाया गया है, ठीक है, तो उसमें कई सारे सीनियर्स भी शामिल थे। तो 95 to 97, ठीक है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है कट ऑफ जनरल की, ठीक है। सेम वैसे ही कुछ होने, देखो एक दो क्वेश्चन का डिफरेंट होता है भाई, तो उसके लिए असहमत हो तो वो जायज़ है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम यही पूरी चांसेस है कि अगर आपका इतना आ रहा है तो डेफिनेटली 100% सेफ हो, और आप मेंस की तैयारी अभी से चालू कर दो, क्योंकि मेंस आपका अप्रैल में लगा हुआ है। ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी 93 to 95, दो ईयर से आप देख रहे होंगे कि जनरल की कट ऑफ के बराबर हो जा रही है ओबीसी की कट ऑफ, तो यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एससी की जो कट ऑफ है 85 to 87 के बीच में होने वाली है, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना होगा। एसटी की जो कट ऑफ है 80 to 82 के बीच में जाने वाली है, फीमेल की जो कट ऑफ है वो 90 प्लस में, एक दो नंबर जो भी आगे पीछे रहे, ठीक है, लेकिन 90 प्लस वालों को जो भी जिनका है सबका चयन होने है। देखिए, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ को मैं 100% श्योर इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी ढेर सारे इसके पीछे निर्धारण होने वाले हैं, तो इसकी कट ऑफ है जो मैं कट ऑफ बना रहा हूँ 85 ± 2, ये इससे भी कम हो सकती है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा अनश्योर रहिएगा, लेकिन फिलहाल चांसेस इसी बात की है। और जो पीएच कैंडिडेट्स के 88 क्वेश्चन से ऊपर अगर इनका आ रहा है, 88 क्वेश्चन से ऊपर, तो डेफिनेटली 100% इनका चयन होना है। तो ये थी मेरे द्वारा जारी की गई पूरी कट ऑफ एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को हमारे, और अगर आपका अभी भी कोई कमेंट हो, कोई रिव्यू हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।